एक लैपटॉप, एक बिल्डेड पीसी या फिर एक गेमिंग कंसोल, कौन सा होगा दोस्तों आप लोगों के लिए बेस्ट? चलिए इस बात का पता लगाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ऋषभ और स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऋषभ टेक पे। दोस्तों पहले तो मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गेमिंग कंसोल्स जो होते हैं वो स्पेशली गेमिंग करने के लिए रहते हैं। थोड़ा बहुत आप इंटरनेट भी चला सकते हैं, पर जो मेन मकसद रहता है उन्हें बनाने का वो सिर्फ गेमिंग करने के लिए होते हैं। इसलिए आप ये चीज़ देख सकते हैं कि बहुत सस्ते दाम में अच्छे अच्छे गेम्स खेलने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से गेमिंग कंसोल्स बनाए जाते हैं। तो ये बात तो साफ है, अगर आप गेमिंग कंसोल लेते हैं तो आपकी नीड सिर्फ गेम खेलना ही होना चाहिए। दोस्तों लैपटॉप भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही कन्वीनियंस रहता है और बहुत ही पोर्टेबल रहता है। आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं अपने साथ, एक बैग में कैरी करके कहीं पर भी आप गेम खेल सकते हैं या वर्क कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। इसलिए इसे आप देखे होंगे जनरली बिजनेस पर्पज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है। आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, मतलब जो कन्वीनियंस मिलता है वो ना तो कंसोल में मिल सकता है ऐसा, ना बिल्डेड पीसी में। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेवल करते हैं या एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं या अपना गेमिंग एक्सपीरियंस अपने दोस्तों के घर में भी जाके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तब तो आप लैपटॉप लीजिए। दोस्तों लास्ट एंड फाइनल, अगर आपको पीसी बिल्ड करना है तो आपकी नीड सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस निकालना होना चाहिए, और जो बिल्डेड पीसी है वो आपको मॉड्यूलरिटी देती है। मॉड्यूलरिटी का मतलब ये होता है आप जैसा चाहे वैसा स्पेक्स डाल सकते हैं, अपने हिसाब से अपना बिल्डेड पीसी तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत कम दामों में। दोस्तों आपको मतलब कि घर बैठे ज़्यादा से ज़्यादा एडिटिंग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा गेमिंग करना है, और वैसा परफॉर्मेंस आपको सिर्फ बिल्डेड पीसी ही दे पाएगा। पर इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, और फ़ायदे तो इतने ही हैं कि आपको परफॉर्मेंस बहुत हाई मिलेगा और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको गेमिंग भी करना है और एडिटिंग भी करना है तो आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस बचते हैं दोस्तों, बिल्डेड पीसी और लैपटॉप। अब मैं अगर लैपटॉप में बात करूँ सिर्फ गेमिंग की, तो दोस्तों मत लीजिए गेमिंग। अगर आपको करना है तो बिल्डेड पीसी लीजिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों लैपटॉप को बनाया ही नहीं जाता गेमिंग के लिए। एक अच्छी बात जो मेरे को बिल्डेड पीसी में लगती है वो है, मान के चलिए अभी आपके पास पैसा नहीं है, आपने एक सिंपल पीसी बिल्ड कर दिया 30-40 हज़ार में, फिर मान के लिए फ्यूचर में भी आप उसे एडवांस कर सकते हैं और कुछ अलग पार्ट्स जोड़ के जैसे ग्राफिक कार्ड्स या प्रोसेसर ने आके, मतलब कि आप अपने हिसाब से उसे फ्यूचर में और अच्छी तरह से बिल्ड कर सकते हैं। यानी कि आपका जो पीसी होगा वो कभी पुराना नहीं होगा, आप उसे अपग्रेड करते जाएंगे जब तक आपके साथ रहे। दूसरी बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर गेमिंग करना है और आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप लेना है तो एप्पल की तरफ तो मत ही जाइए, क्योंकि मैक पीसी, मैकबुक जो भी है ये सब, उनमें गेमिंग उतनी कुछ खास रहती ही नहीं है, ना गेम्स लॉन्च होते हैं उतने खास। तो अगर गेमिंग करनी है और गेमिंग के पर्पज़ से भी लेना है लैपटॉप या बिल्डेड पीसी, तो सिर्फ और सिर्फ आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ जाइए। तो दोस्तों अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट दूँ इस वीडियो को, तो अगर सिर्फ आपको गेमिंग और सिर्फ गेमिंग ही करनी है तो आपके लिए गेमिंग कंसोल बनाए, और अगर आपको एडिटिंग भी करनी है, प्रोडक्टिविटी का भी करना है, फर्दर यूजेस भी करना है, तो या तो आपको लेना पड़ेगा लैपटॉप या एक बिल्डेड पीसी बनाना पड़ेगा। ये ऐसा एक टॉपिक था जिसमें बताने के लिए बहुत सारी चीज़ थी, बहुत सारा चीज़ मैंने डिस्कस करना था आपके साथ। आई होप दोस्तों की वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, नहीं आया डिसलाइक का बटन, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मेरा भला करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें।